अरे रमन भैया भी मिल गए। समझते उनके इरादे चकनाचूर हो जाते हैं। एक बार हाथ ऊपर खड़ा करके जय श्री राम बोल गए, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। ये हमारी जो फोर्स है तिरुपति बालाजी महाराज की, बोल तिरुपति बालाजी भगवान की, बोल तिरुपति बालाजी महाराज की। ऐसा है सारे राम भक्त अभी आ रहे हैं, सब लोग जो भक्त बाहर खड़े हैं, हमारे छोटे हो बड़े हो सब अंदर आ जाए, और हमारे जैसे भी अधिकारियों का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। बिल्कुल आप उनके जो भी यहाँ योजना बनाई है वो हमारे नवनीत जी भाई साहब हैं और अन्य अधिकारी गढ़े वो सब बताएंगे, उसके अनुसार ही चलेंगे। ये काम कर लीजिए। एक ही जगह नारा रहेगा तो अच्छा रहेगा। हेलो, जय श्री राम भैया, सारे कार्यकर्ताओं का स्वागत है। और आज हम अपने सनातन धर्म पर होने वाले निरंतर आक्रमणों का जवाब देने के लिए जो हमारी आस्था से बार बार खिलवाड़ किया जाता है, जो हमारे शांति प्रिय सभ्य सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चला है, हमारे सत सनातन धर्म के विरोध कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, अब तो नया जिहाद जुड़ गया ट्रेन जिहाद, ये जगह जगह षड्यंत्र करके हमारे सत सनातन धर्म को उकसाया जा रहा। और जब ये हमारा सत सनातन धर्म क्रिया की प्रतिक्रिया करता है तब हमारे ऊपर दोषारोप और अनर्गल प्रलाप किया जाता है। किसी भी सभ्य और शांत प्रिय समाज को कायर समझना बहुत बड़ी भूल होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे एक एक वीर ने सवा सवा लाख को धूल चटाई है। ये देश महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई का देश है। लेकिन आज विडंबना है कि जिन लोगों को हमने अपना आश्रय प्रदान किया, जिन लोगों को हमने शरणागति दी, आज वही लोग इस देश का मालिक बनने का प्रयास करें। हम बहुसंख्यकों को तरह तरह से जात पात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर तोड़ने की साजिश चल रही है। लेकिन अब हमारा सनातन धर्म जाग चुका है और इन समस्त देश विरोधी, धर्म विरोधी, कलुषित मानसिकता वाले दुराचारियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आज हमारी युवा शक्ति ने अंगड़ाई ली है और मां भारती के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रण किया है। कहते हैं अब याचना नहीं नर होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ध्यान रखिएगा, हम इस देश के मां भारती के सपूत हैं। हम लोग इस देश को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाते। हमने हमेशा सारे धर्मों का सम्मान किया है, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे धर्माधिक बंधुओं को तरह तरह से शोषित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, और कुछ ऐसे कानूनों के द्वारा हमारे ऊपर, अभी वर्तमान में आपने देखा वक्फ, हम वक्फ का कानून खत्म नहीं करना चाहते थे, हम संशोधन करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हम संशोधन भी नहीं होने देंगे।
अरे भारत भूमि माँ भारती की भूमि है, इसकी एक एक इंच की भूमि भारतीयों की है। हम किसी और को इस पर कब्जा करने नहीं देंगे। उस माँ भारती की संतान है जिन भरत महाराज ने बचपन में शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन लिए थे। आज हमारा भारत पूरे संसार में अपनी शक्ति से सशक्त बनकर खड़ा है, लेकिन कुछ देशद्रोही और कुछ जो हमारा ही खाते और हमारे ही विरोध आग उगलते हैं, ऐसे आस्तीन के सांपों को हमें कुचलना होगा। और आज हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे मठ मंदिरों में होने वाली अकूत संपत्ति को आय को केवल हमारे सनातन धर्म के हितार्थी खर्च करना चाहिए। और हम समस्त मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को हटाना चाहते हैं। हमारे सत सनातनी, हमारे स्वयं के स्वयं सेवक बंधु बड़े से बड़ा संगठन चला भी रहे हैं और चलाने में सक्षम भी हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे मंदिरों की अमूल्य संपत्ति को हमारे ही विरुद्ध खर्च किया जाए। आज हमारी संपत्ति को जगह जगह ऐसे ऐसे एसोसिएशन को दिया जा रहा है जिनका उद्देश्य केवल सनातन धर्म की जड़ों को खोखला करना है। तो हम सब मिलकर आज यही मांग करते हैं कि हमारे समस्त मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से हटाया जाए और हमारे सत सनातन धर्म को इसकी बागडोर सौंपी जाए। संकल्प लेते हैं कि हम अपनी संस्कृति पे होने वाले प्रत्येक आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले हम शांति से समझाते हैं, फिर हम चेतावनी देते हैं, और फिर नहीं मानता तो वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह हम उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना भी जानते हैं। जितने भी हिंदू समाज के मठ और मंदिर है, वह मठ और मंदिर उस सरकार को हिंदू समाज को सौंपने होंगे, और नहीं सौंपे जाएंगे तो हिंदू समाज आंदोलन के लिए विवश होकर और उस सड़कों पर उतरकर तो केवल ऐसे मठ और मंदिरों को सरकार के हाथ से लेकर और स्वयं का ट्रस्ट बनाकर और हिंदू समाज उसका संरक्षण करे, हिंदू समाज उसकी देखरेख करे, उसके लिए काम करने वाला है। जो पूर्व में अभी वो मिलावट का विषय रहा और मिलावट के बाद फिर जो हिंदू के बड़े जो देवालय हैं, उन देवालयों को, उन मठ और मंदिरों को वो हिंदू समाज को सौंपने के लिए, ये संदेश देने के लिए आज पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वो महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से वो ज्ञापन का कार्यक्रम है। आज मेरठ प्रांत के अंदर तो सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद के अंदर इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन और एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। मेरी भी मांग यही है, संगठन की मांग यही है कि हिंदू समाज के जो मठ और मंदिर हैं, वह सरकार हिंदू समाज को सौंपने का काम करे, हिंदू समाज को सौंप कर और हिंदू समाज की संस्कृति और उनको बचाने के लिए यह कार्य सरकार को अवश्य करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। और अभी इस ज्ञापन को देने के लिए जो कार्यकर्ताओं ने मार्ग बनाया होगा, उसी मार्ग पर जाकर हम यहाँ के कमिश्नर या डीएम साहब वो ज्ञापन लेने आएंगे और उनको ज्ञापन देकर अपना ये ज्ञापन का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। बाकी का जय करे वीर बजरंगी।
सभी कार्यकर्ता ध्यान देंगे, अभी हम लोग यहाँ पर ज्ञापन के लिए एकत्रित हुए हैं। ज्ञापन जैसा कि तय है अभी 5 मिनट बाद यहाँ से निकलेंगे। रूट हमारा मेन गेट से निकल के पीलीकोठी और नगर आयुक्त कार्यालय के सामने से कंपनी भाग से होते हुए हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचेंगे। ध्यान रहेगा अग्रिम पंक्ति में अपने तीनों जिले के अध्यक्ष एक बार सुन लेंगे। अग्रिम पंक्ति में अपने तीनों जिले के अध्यक्ष विभाग और प्रांत के पदाधिकारी रहेंगे, कोई भी भागम भाग नहीं करेगा और महिलाओं को स्थान देंगे अग्रिम पंक्ति में। अपने साथ में माताएं बहनें भी हैं, उनको स्थान देंगे, भागेंगे नहीं, बहुत धीरे धीरे चलना है। सबसे पहले आगे अपना बैनर रहने वाला है, उसके बाद में Get it!
जय श्री राम, जय श्री राम, जय। सभी कार्यकर्ता बंधु केवल बैनर के पीछे रहेंगे, साइड में कोई ना हो, एम्बुलेंस को निकल जान दो और सभी को पीछे जाना है, व्यवस्था बनानी है। सभी कार्यकर्ता बैनर के पीछे जाएंगे और जो बैनर चल रहा है बैनर के पीछे ही हमें रहना है, आराम आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। Thank you.
मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। साइड से आगे नहीं जाएंगे, कह रहा हूँ साइड से आगे नहीं जाएंगे। कि हमारे मठ मंदिरों पर जो सरकारी नियंत्रण है, संपत्ति मंदिरों की होती है लेकिन उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय मंदिरों की संपत्ति सत सनातन धर्म के हिसाब से खर्च होनी चाहिए, और जो बालाजी के मंदिर में लड्डू में प्रसाद में मिलावट हुई है ऐसा कुछ अब तक दोबारा नहीं होना चाहिए। आपके पीछे साइड से जो हमारे मठ मंदिर हैं उनको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, और उसकी अर्जी जो दान राशि होती है वो विभिन्न मदों में खर्च करी जाती है, जबकि उसको हमारे केवल सत सनातन धर्म के कल्याणार्थ खर्च होना चाहिए। दूसरी बात, जो मंदिर का प्रसाद बनाने वाले हैं उन सारी संस्थाओं को हमारे सनातन धर्म में होना चाहिए, और जिन लोगों ने द्रौपदी बाला जी महाराज के प्रसाद में मिलावट की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ज्ञापन जो देना है किसको ज्ञापन? आज हम कमिश्नर जी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या करें? राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे, और जब फिर भी शासन प्रशासन नहीं माना तो हम स्वयं से उनको समक्ष बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। Yeah.
टेंट गाड़ा कलाइया लगाई दवाई गया खत्म।